ये देखो आज ये चाय बन रही है, इतना सारा पानी डाल रखा है, दूध की जगह ही नहीं है। हाँ तो ऊपर अच्छा, ऊपर 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 है। तो आज ये मेरा बेटा बना रहा है चाय, क्योंकि आज मैं बर्थडे गर्ल हूँ इसलिए। तो आज कह रहा मम्मा मैं मतलब चाय बना देता हूँ, तो देख लो भाई, बच्चे मेरी पूरी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर। और ये देखो, ये मेरी प्यारी सी बेटी, सोनी सी बेटी ब्रेड लेके आई है। तो आज ना मुझे बड़ा, और आज वंश बिल्कुल भी हाथ लगाने नहीं दे रहा, देख रहे हो आप, ये बिल्कुल अपने आप से कर रहा है और बिल्कुल भी नहीं करने दे रहा मुझे। और सबके लिए चाय बना रहा है, कह रहा मैं ही बनाऊंगा और मैं ही सबको पिलाऊंगा। तो यार बच्चे ऐसे स्पेशल फील करा रहे हैं, मुझे ही गिल्टी फील करा रहे और हैं। ये देखिए फ्रेंड, गिन्नी ने अपनी बड़ी मम्मा के लिए क्या बनाया है, ये देखिए बोर्ड पे ये पूरा ऐसे दिख रहा है। और ये देखिए इस पे लिखा है हैप्पी बर्थडे बड़ी मम्मा, आई लव बड़ी मम्मा, हैप्पी बर्थडे बड़ी मम्मा। उसके बाद इसने यहाँ पर सन बनाया है, यहाँ पर ये बाद क्लाउड क्लाउड बनाए हैं, यहाँ पर ये झूला है, ये ग्रास है, ये मेरा घर है और ये ग्रास है। और ये आप देखिए, ये जो चार फोटो है, ये मैं बता देती हूँ, ये चार फोटो इसने किसकी बनाई है। ये तो मेरे लंबे हेयर है, तो ये आपको पता ही चल रहा होगा ये मैं हूँ। तो ये इसने मुझे बनाया क्योंकि मेरे हेयर लंबे हैं, तो चोटी लगा रखी है। एंड सेकंड नंबर वाली जो मेरी सिस्टर है, वो पोनीटेल थोड़ी हाई बनाती है। तो ये ही है गिन्नी की मम्मा, जो पोनीटेल हाई बनाती है। तो ये है गिन्नी की, इसकी मम्मा, तो ये पोनीटेल हाई बनाती है, तो ये इसकी मम्मा है, ठीक है, दूसरी वाली सिस्टर। एंड जो तीसरी वाली सिस्टर है, ये जो डांस करती है ना बहुत अच्छा, ये वो है। तो उसकी चोटी मीडियम साइज़ की है, कभी हाई फ्लेम की नहीं बनाती, नॉर्मल पोनीटेल बनाती है। तो ये वो है। एंड ये जो है ना, ये जो स्पेशल आपको दिख रही होगी कुछ अलग सी, मतलब जो लंबे दे से अलग सबसे हाँ जो देखते ही बोल दे ये चुड़ैल कौन है सब में से, तो ये मेरी छोटी सिस्टर है, जिसके बाल ऐसे ही आपको दिखते होंगे, ऐसे राउंड राउंड घुंघराले मैगी जैसे, घुंघराले। घुंघराले घुंघराले। तो ये जो छोटी सिस्टर है, ये उसके, हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। और ये देखिए आज मेरा बर्थडे है, तो आज मैं हाई पोनीटेल बना लूँगी और रेड सूट, रेड कलर का मतलब मैंने सूट पहना हुआ है, ये मुझे बहुत पसंद है। तो आज मैं हाई पोनीटेल बनाऊँगी, बस यही है, और रेडी हो जाती हूँ मैं जल्दी से। बाद मुझे आज सोया चाप बनाना है, सबकी डिमांड है सोया चाप एंड जीरा वाले राइस, तो ये बनेगा और रायता रहेगा उसके साथ। तो यही आज, मतलब आज जो रहेगा तो ये यही रहेगा आज लंच में। और ये देखिए मैं सोच रही हूँ ना, पहले ना मैं किचन, मतलब मैं किचन में बनाने से पहले रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि फिर जब बना लेती हूँ ना मैं, मतलब किचन का काम करने के बाद फिर मैं रेडी नहीं हो सकती, क्योंकि फिर मैं थक जाती हूँ, फिर बिल्कुल मन नहीं करता। तो मैं पहले रेडी हो गई हूँ और अब मैं यहाँ पर सोया चाप की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने ऑयल गरम कर लिया है, इसमें सोया चाप जो होता है इसको मैंने वॉश करके अच्छे से, और उसके बाद फिर मैंने इसमें फ्राई कर लिया है, डीप फ्राई करा है। एंड इसको फिर मैं निकालूँगी, और आधे चाप मैंने ना कट कर दिए थे ऐसे, तो मैं ऐसे इसको जो मैंने कट करे थे इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी, क्योंकि जिसको अगर ऐसे खाना है तो वो वैसे ले लेगा, और जिसको वैसे खाना वैसे। और फिर मैं इसी कढ़ाई में मैं अपना मस्टर्ड ऑयल गरम कर लूँगी, एंड इसके अंदर मैं जीरा ऐड कर दूँगी। और बहुत ही कम मसालों में आपके साथ मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बहुत ही कम मसालों में। एंड इसके बाद मैंने जीरा ऐड करने के बाद जो मैंने प्याज का पेस्ट बनाया था, इसमें मैंने हरी मिर्च और लहसुन पीस दिया था और थोड़ा सा अदरक।
तो ये मैंने पेस्ट डाल दिया है एंड मैंने दो प्याज ऐसे ही कट करके रखा था वो भी मैं ऐड कर दूंगी। इसके बाद अच्छे से मैं भूज लूंगी, उसके बाद अच्छे से भूज जाएगा तो उसके बाद मैं टमाटर ऐड कर दूंगी और टमाटर जैसे ही ऐड होगा इसके साथ साथ सारे मसाले ऐड हो जाएंगे, नमक स्वाद अनुसार डल जाएगा, हल्दी डल जाएगी एंड इसके बाद किंग मसाला आप कह लीजिए या चिकन मसाला कह लीजिए जो आप डालते हैं वो आप इसमें ऐड कर दिए। बस तीन मैंने तीन चीज़ ऐड करी है और बस इसी में ही बहुत ही टेस्टी यम्मी बनेगा। अगर आपको और मसाले ऐड करने हैं आप कर सकते हैं। और ये देखिए अच्छे से ऑयल सेपरेट हो गया और ये मसाला कढ़ाई को छोड़ने लगा है। तो इसके अंदर मैं कसूरी मेथी ऐड कर दूंगी और फिर उसको अच्छे से भूज के फिर मैं कवर कर दूंगी और फिर इसको दो तीन मिनट के लिए धीमी आंच पे पकने दूंगी और अच्छे से पकने दूंगी। और देखिए आप ऑयल एकदम सेपरेट हो गया, बहुत अच्छे से हमारा मसाला बनके रेडी हो गया। इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी, जितनी ग्रेवी चाहिए आप उसके हिसाब से इसमें ऐड कर ले एंड इसके बाद मैं इसको कवर करके रख दूंगी दो चार मिनट के लिए धीमी आंच पे पकने दूंगी। और जैसे ही ऑयल देखिए सेपरेट हो गया है इसके अंदर मैं अपना सोया चाप ऐड कर दूंगी और इसके बाद मैं एक मिनट पका के इसको बंद कर दूंगी। तो ये मेरी सोया चाप की रेसिपी आपके साथ शेयर करी है और बहुत ही रियल मानिए बहुत टेस्टी बनी थी। तो ये हमारी ये बनके भी रेडी हो गई है। बैठ ही रह तू, ये मुझे कह रहे बैठ ही रहे, हम कर लेंगे, पता नहीं क्या करेंगे, मेरे घर का हाल क्या करेंगे ये। मैंने हैप्पी बर्थडे बच्ची हुई क्या यहाँ लगाएगी मेरा बर्थडे। मैं लंच से अपना छुटकारा पा चुकी हूँ तो ये लोग यहाँ पर अपना कर रहे हैं, कह रहे हम ही करेंगे। तो देखिए ये मुँह से खोला जा रहा है, ये बच्चे ऐसे। आज रियली में यार बच्चों ने बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराया मुझे और मेरा बर्थडे जो था सब कुछ मतलब बच्चे पे ही डिपेंड था और वंश ने आज मेरा बर्थडे बहुत ही अच्छे से मनाया। और आज का जो दिन था मेरे लिए बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। और एक माँ के लिए अगर उसका बेटा या उसकी बेटी अगर बच्चा कोई उसका बेबी अगर बर्थडे अगर सेलिब्रेट करता है तो यार उससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है। और प्लस में बर्थडे सेलिब्रेट हुआ वो तो बात है ही है एंड इसके बाद मुझे कोई काम भी नहीं करने दिया, जो उससे हुआ उसने वो किया। और उसने मुझे बोला भी था कि मम्मा आप प्लीज़ हाथ मत लगाना प्लीज़। और यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत हमने खाया पिया एंड इसके बाद फिर हम बाहर निकल गए मार्केट के लिए और फिर हम यहाँ पर आए हैं फीलिंग वाले समोसे खाने के लिए, जो बहुत फीलिंग वाले फ्लेवर वाले चल रहे हैं ना वो वाले समोसे खाने के लिए। और रास्ते में हमें ये मिल गया शिकंजी वाला, तो ये मुझे बहुत पसंद है। तो बस हम ये सब ये पियेंगे एंड इसके बाद फिर आगे का हम करेंगे। तो जो फीलिंग वाले समोसे खाए यार वो मैं क्लिप नहीं मतलब कर पाई कैप्चर, तो गए बस हम खाने में मस्त हो गए ना तो फिर वीडियो ही नहीं बन पाई। तो ये देखिए फिर हम पीते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं घर की तरफ क्योंकि मैंने लंच बना के रखा हुआ है और पेट तो यार सबका ही फुल हो गया यहीं पर ही। अब देखिए लंच कितना खाते हैं, मुझे लगता थोड़ा ही खाएंगे बस। और ये देखिए तीखा भी है ना चटपटा भी है, वंश का फेस देखने लायक हो रहा है और गिन्नी डर गई वंश का फेस देख करके कि भैया इतना तीखा है क्या। और ये यहाँ पर हम घर पे आ गए और हमने लंच वगैरह करा, उसके बाद आराम से फिर मैंने किचन का काम थोड़ा सा समेट के फिर हम लोगों ने यहाँ पर इंजॉय करने लग गए वगैरह डांस वगैरह करने लग गए। और देखिए फुल इंजॉय करा यार आज का डे बहुत ही अच्छा गया। तो ये देखिए आप इंजॉय करिए ये डांस।
एंड ये देखिए हमने लोगों ने काफ़ी इंजॉय करा और डांस करा। और ना जब हम फोर सिस्टर डांस करती हैं ना तो फिर भूल जाती है आगे क्या है पीछे क्या है, और जैसे मर्जी डांस करना होता बस वैसे करते हैं, इनको पता ही नहीं चलता हम लोगों को कि हम कैसा डांस कर रहे हैं। इतना मतलब कुछ पता ही नहीं चलता यार कैसा हम डांस कर रहे हैं, मतलब कोई तुक ही नहीं है डांस करने का, बस म्यूज़िक बजा जा रहा है, हम करे जा रहे। बट ऐसा हम आपस में ही करते हैं, कहीं और नहीं कर सकते ना, कहीं और करेंगे तो इंसल्ट हो जाएगी हमारी धज्जियाँ उड़ जाएंगी, ये कौन सा डांस कर रहे हैं ना। तो ये लोग हम बस अपने आपस में मस्ती करते हैं ना, तो हम कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी डांस कर लेते हैं, बट कहीं और नहीं कर सकते यार, हमारी इंसल्ट हो जाएगी, हमें कहेंगे लो बाहर यहाँ से, ऐसा डांस नहीं चलेगा। तो चलिए ये हमारा डांस आपने इंजॉय करा पूरा, आई होप आपने भी इंजॉय करा होगा ये मेरा व्लॉग देख के। तो प्लीज़ अगर यार मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, तो आपसे मिस ना होए मेरी वीडियो। तो प्लीज़ ओके बाय, जय माता दी। एंड बीच बीच में मैं रिक्वेस्टेड वीडियो भी लेके आऊँगी, क्योंकि यार देखिए घर का काम भी होता है और सब कुछ काम होता है, बाहर अंदर आप तो समझ ही सकते हैं।